हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस ड्रग के बारे में जिसका नाम है पैरासिटामोल। ये ड्रग हमें ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाता है, इसका बहुत वाइड क्लिनिकल यूज़ होता है। इसका एक और नाम होता है जिस जो है एसिटामिनोफेन। ऑलराइट, तो चलिए ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरासिटामोल क्या है, क्योंकि हम इसे एज एन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में क्लासीफाई करते हैं, हमें पता है कि एक अच्छा एनल्जेसिक है यानी पेन रिलीफिंग, एंड एक अच्छा एंटी पायरेटिक एजेंट है यानी कि वो फीवर को रिड्यूस करेगा। लेकिन इसकी पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज जब हमारे किसी साइट पर हमें इन्फ्लामेशन होता है तो उस साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड क्योंकि वहाँ पर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है, जो पैरासिटामोल है वो अपनी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली एक्शन को एग्जिबिट नहीं कर पाता, वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाता। एंड क्योंकि इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, उस प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता रहेगा एंड हमें कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं मिलता, कोई भी इन्फ्लामेटरी पेन से रिलीफ नहीं मिलता। दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ अ पुअर इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड इज़ अ पुअर एंटी एंड हैज़ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ऑल राइट, अब देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं एस्प्रिन के ओवर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एस्पिरिन के बारे में, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखिए। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके उस वीडियो को ज़रूर देखना, बिकॉज जैसे ही आप वो वीडियो देखोगे आपको ये पर्टिकुलर पार्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी लिंक आपको आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एस्पिरिन में हमने ऑब्जर्व किया था कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था, हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस अफेक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एस्पिरिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करता, जिस वजह से हमारे एसिड बेस बैलेंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। एस्पिरिन की तरह यहाँ पर एस्पिरिन गैस्ट्रिक इरिटेशन करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती, कोई म्यूकोजल इरोजन या ब्लीडिंग ऑब्जर्व नहीं करते हम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, जो सेलो मेटाबॉलिज्म है यहाँ पर डिक्रीज नहीं होता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे प्लेटलेट फंक्शन या क्लॉटिंग फैक्टर्स पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे एस्पिरिन के केस में। तो बेसिकली पैरासिटामोल के केस में आपको कोई भी एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं देखने मिलेगी। तो ये सभी मेजर रीजंस थे, ये सभी मेजर फैक्टर्स थे जिस कारण से हम एस्पिरिन को यूज़ करने के पहले 4 बार सोच रहे थे। लेकिन अब पैरासिटामोल आ गया, जिसमें ये सारे एडवांटेजेस जो मतलब ये सारे डिसएडवांटेजेस जो थे वो अब हमारे लिए एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड ये सभी एक एडवांटेजेस हैं हमारे पैरासिटामोल के यूज़ के लिए। ऑल राइट, अब सबसे पहले फटाक से क्विकली रिव्यू करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो ये ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, 1/4 ऑफ इट एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोटीन बाउंडेड कंडीशन में रहेगा, सभी टिश्यूज़ में इक्वली जाएगा यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसकी, यानी कि मेटाबोलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड, यानी कि जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कॉन्जुगेट करता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, और फिर जो कॉन्जुगेट बनता है वो क्या होता है, रैपिडली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ होती है 3 to 5 आवर्स। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि अक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं ये कब कब होती है। तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग 2 केसेस में हो सकती है, एक बच्चों के केस में और एक अडल्ट के केस में। अडल्ट में तब होगी जब वो बहुत हाई डोज कंज्यूम करते हैं, यानी कि मोर देन 10 ग्राम्स अ डे। एंड चिल्ड्रन में इसलिए ऑब्जर्व करते हैं हम, क्योंकि जब हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो पैरासिटामोल है वो कॉन्जुगेट करता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, लेकिन बच्चों में ये एक्शन बहुत वीक होती है, ये एबिलिटी बहुत वीक होती है, उस वजह से हम इनमें इस वजह से हम बच्चों में ये पॉइजनिंग ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं कि पेशेंट कौन से मैनिफेस्टेशंस के साथ प्रेजेंट करेगा। तो पेशेंट हमारे पास नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिवर टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करेगा अगर वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में है। माइंड करना, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर देर इज़ नो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर 12 to 18 आवर्स हो जाते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हिपैटिक नेक्रोसिस एंड रीनल नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, विच इज़ अकम्पनीड बाय हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें बहुत क्रिटिकल होती है हमारे लिए, हमारे पेशेंट के लिए, बिकॉज अब ये सारी चीज़ों के होने के बाद हमारा पेशेंट स्लोली क्या होता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होना शुरू होता है एंड ही प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स कोमा।
अब देखते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में जिस वजह से ये पॉइजनिंग ट्रिगर होती है। तो देखिए, जब हमारा पैरासिटामोल जब हम कंज्यूम करते हैं, तो वो पैरासिटामोल क्या होता है, कॉन्जुगेट होने के बाद दो मेटाबोलाइट्स में ब्रेक हो जाता है, एक माइनर एक मेजर। जो माइनर मेटाबोलाइट है वो होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्वीन इमीन, ठीक है। तो ये जो हमारा माइनर मेटाबोलाइट है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो हमारी बॉडी एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या करती है, उसे डिटॉक्सिफाई कर देती है बाय कॉन्जुगेटिंग इट विथ ग्लूटाथायोन। अब अगर आपने पैरासिटामोल का बहुत हाई डोज कंज्यूम किया हो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन केस ऑफ अडल्ट मोर देन 10 ग्राम्स, तो क्या होगा, देर विल बी इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द माइनर मेटाबोलाइट, करेक्ट, माइनर मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इस वजह से दो चीज़ हो रही है, पहला जो हमारा ग्लूकोरोनाइडेशन हो रहा था पैरासिटामोल का, उसकी जो कैपेसिटी है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है, अब और ग्लूकोरोनाइडेशन नहीं हो सकता। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हिपैटिक ग्लूटाथायोन बचा था वो हमने सारा का सारा यूज़ कर लिया, सब का सब यूज़ हो गया, इस कारण से वो डिप्लीट हो चुका है। एंड अब जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ माइनर मेटाबोलाइट हमारे पास बचा था, वो सारा एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट क्या करता है, जाके कोवैलेंटली बाइंड करता है लिवर सेल्स एंड रीनल ट्यूबुल के प्रोटीन्स के साथ, जिस वजह से हम क्या देखते हैं, नेक्रोसिस होता है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, नेक्रोसिस होता है। मैंने कहा था अडल्ट के केस में 10 ग्राम से ज़्यादा का डोजेज होता है तब हम ये पॉइजनिंग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर वो अडल्ट क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो इवन 5 ग्राम्स भी अगर डोज वो इनटेक करता है तब भी ये हिपाटोटॉक्सिसिटी ऑब्जर्व हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो अल्कोहल है वो क्या करता है, माइक्रोस्कोमल इंडक्शन करवाता है बाय द एंजाइम CYP2E1, जिस वजह से हमारे पैरासिटामोल का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। ऑल राइट, अब अगर हम बात करें इस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट की, तो जब पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट करता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएंगे या गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। वो इसलिए बिकॉज हम कोशिश करते हैं ड्रग को बॉडी के बाहर निकालने की, बॉडी के बाहर फेंकने की एज मच एज़ पॉसिबल। बट अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो उसके बाद हम पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं ओरली या थ्रू अ ट्यूब, ताकि जो ड्रग अंदर है उसका एब्जॉर्प्शन हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो इसकी एंटीडोट के थ्रू है, विच इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। इसके दो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, सबसे पहला आईवी इन्फ्यूजन होता है। तो जब हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले उस पेशेंट पर्टिकुलर पेशेंट के वेट के हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज 150 mg पर kg, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। एंड फिर कैलकुलेशन होने के बाद हम उसे 200 ml 5% ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, एंड देन IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं फॉर 15 मिनट्स। ये सेम डोज जो होता है ये IV फॉर्म में हम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स देते हैं। अगर उस पेशेंट को हम ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम हाफ पे रिड्यूस कर देते हैं। अब उस पेशेंट के लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे डोज वो होगा विद द कैलकुलेशन 75 mg/kg के हिसाब से, एंड देन फिर हम उसको ओरली ये ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे एवरी 4 to 6 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज। अब अगली बात है, ये जो हमने ट्रीटमेंट करी, यहाँ पे हमारा एम क्या था, तो हमारा एम यहाँ पर ये था कि जो ग्लूटाथायोन के स्टोर्स रिड्यूस हो गए थे उन स्टोर्स को हमें रेप्लेनिश करना है, या फिर जो बॉन्डिंग हो रही थी माइनर मेटाबोलाइट की प्रोटीन्स के साथ, उन्हें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी उसे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब वो पेशेंट ने उतना हाई डोज इंजेस्ट किया, उस टाइम से लेके ट्रीटमेंट तक के का जो टाइम इंटरवल होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत क्रिटिकल होता है। बिकॉज अगर वो टाइम 16 आवर्स या 16 आवर्स से ज़्यादा होगा तो हमारे पेशेंट के लिए ये जो ट्रीटमेंट है ये प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो जाती है, ऑलराइट, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट, ठीक है। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। हमें पता है ये एक अच्छा एनल जैसे कि अच्छा पेन रिलीफ है, तो हम इसे पेन रिलीफ करवाते हैं अंडर हेडेक, माइग्रेन, ड्यूरिंग मस्किलोस्केलेटल पेन्स। ऑल राइट, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस एनाल्जेसिक्स फॉर ऑस्टियोअर्थराइटिस। अब हमने एस्पिरिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट
इफेक्ट ये देखा था, या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे एस्पिरिन में के केस में, कि भले वो एंटीपायरेटिक तो था लेकिन हम उसे बच्चों में नहीं दे पा रहे थे रीज सिंड्रोम के कारण। प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा था इसलिए हम उसे प्रेग्नेंट मदर्स में नहीं दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं दे पा रहे थे। तो इन सब कंडीशंस में हमारे लिए क्या हो रहा था, एस्पिरिन का लिमिटेड यूसेज हो पा रहा था। लेकिन हमारे पास पैरासिटामोल ऐसा कोई इफेक्ट नहीं एग्जिबिट करता। हम पैरासिटामोल एज एन एंटीपायरेटिक फॉर किसी भी टाइप ऑफ फीवर दे सकते हैं एंड किसी को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो बच्चा हो, एक यंग एडल्ट हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई ओल्ड एज हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, किसी भी टाइप ऑफ पर्सन में हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। याद रखने की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर फीवर हीट स्ट्रोक के कारण है तो उसमें पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करना या एडमिनिस्टर करना इनफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज हीट स्ट्रोक के केस में फीवर को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका होता है एक्सटर्नल कूलिंग, जो ये ड्रग नहीं करवा पाएगा, इसलिए उसे प्रिस्क्राइब करने का कोई फायदा नहीं होता मेजरली। ऑल राइट, आई होप आपको सभी मैकेनिज्म एक्शन पैरासिटामोल के जो यूजेस थे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर है उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी पॉइजनिंग एंड उसकी ट्रीटमेंट, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपके सजेशंस इस वीडियो के बारे में या किसी टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन में नीचे, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनके लिए भी टॉपिक आसान हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले वीडियो के साथ जल्द लौटूंगा। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।